फ्रेंड्स, अमिता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर का अचार। इसके लिए हमें चाहिए कम से कम 1.5 से 2 किलो टमाटर, 100 ग्राम इमली, जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, नमक, 1 टेबल स्पून उड़द दाल, कड़ी पत्ता, लहसुन, लाल सूखी मिर्च, सरसों का तेल, चना दाल और राई। इसको टमाटर का अचार बनाने के लिए हमें टमाटर को ऐसे पीसों में, पतले पतले पीसों में काट लेना है। सारे टमाटर को काट लूँगी। उसके बाद मैं नमक डालूँगी। 1 से 1.5 किलो टमाटर में कम से कम 3 चम्मच नमक डालूँगी। फिर इसको मिक्स करके मैं 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। इससे ये पानी छोड़ देगा। पानी छोड़ने के बाद में इसका ऐसे करके मैं रख दूंगी 1.5 से 2 घंटे तक। फिर ये पानी छोड़ देगा। पानी ऐसे निचोड़ के, सारे इसका बीज और रस निचोड़ के इसका जो पानी निकलेगा वो, उसमें मैं इमली भिगोऊंगी। ये देखिए, इसमें पानी निकलेगा। ये टमाटर के रस में ही इमली भिगोनी है। 5-6 घंटे में टमाटर पूरी तरह रस छोड़ देता है। उसके बाद टमाटर को 2 दिन तक के लिए धूप में सुखाना है। फ्रेंड्स, मैंने ये टमाटर 1 किलो लिए थे जो कि मैंने धूप में सुखाए हैं। धूप में सूखने के बाद ये ऐसे हो जाएंगे और इमली का पानी भी सूख जाएगा, इमली भी इसमें गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं ये इमली और टमाटर दोनों मिक्स करके पीस लूँगी मिक्सर में। हमें ज़्यादा एकदम बारीक नहीं करना है और बिना पानी के ही पीसना है। इसमें ये थोड़ा सा दरदरा ही रहेगा, इसको ऐसे ही पीसना है, बहुत बारीक नहीं करना है। ये देखिए, मैंने ये टमाटर पीस लिया है। ये बहुत बारीक भी नहीं है, मोटा भी नहीं। अब मैं कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के गरम करूँगी। अब मैं इसमें जीरा 1/2 स्पून, कड़ी पत्ता 4 से 5, लाल मिर्ची 2, राई 2 स्पून, लहसुन ढेर सारा, लहसुन भूनूंगी। इसी में 1 चम्मच उड़द दाल, ये भूनूंगी। चना दाल ज़्यादा सी लेनी पड़ती, कम से कम 3-4 चम्मच। इसको अच्छी तरह भून लूंगी मैं। ये थोड़ा सा लाल हो जाएगा तब मैं इसमें टमाटर मिक्स करूंगी। ये देखिए, मेरी चना की दाल मसाले वगैरह थोड़े से लाल हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 स्पून सूखा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा चटपटा बनाना इसे ज़्यादा डालती हूँ। अब इसमें मैं टमाटर मिक्स कर दूंगी अच्छे से। इसमें नमक डालना है। नमक मैंने पहले ही डाला था, इसलिए थोड़ा ही डालना पड़ेगा। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी और इसको मैं भूनूंगी। जब तक ये टमाटर थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ देगा और इसको हम 1 महीने तक आराम से रख के खा सकते हैं। आप इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा डालिए तो 1 महीने से ज़्यादा भी डाल खा सकते हैं। इसको भूनने के लिए छोड़ती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। ये टमाटर तेल छोड़ देगा।
ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, टमाटर मेरा भुन गया है, इसे तेल भी छोड़ दिया है। अब हमारा टमाटर का अचार रेडी है, आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खाइए। इसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाल के गर्म करके ठंडा करके इसके ऊपर डाल दीजिए और जार में भर के रख लीजिए, तो ये ज़्यादा दिन तक चलेगा। इसमें मैंने कम तेल डाला हुआ है, आप ज़्यादा दिन तक चलाने के लिए इसमें तेल ज़्यादा डाल सकते हैं।